बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और हमेशा खुश रहें। आज मैं आपसे सेकेंड ईयर कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, जो आपके कंप्यूटर के पेपर का पहला क्वेश्चन होगा वो MCQs पर मुश्तमिल होगा। 15 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, जिसके टोटल नंबर 15 होंगे। जो MCQs की डिवीजन है वो ये होगी। चैप्टर नंबर 1 से आपसे एक MCQs पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 2 से भी आपसे एक MCQs पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 3 से भी आपसे एक MCQs पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 4 से भी एक, चैप्टर नंबर 5 से भी एक, चैप्टर नंबर 6 से भी एक, चैप्टर नंबर 7 से एक भी MCQs आपसे नहीं पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 8 से आपसे एक MCQs पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 9 से भी एक पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 10 से भी एक पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 11 से आपसे दो MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 12 से आपसे दो MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 13 से एक पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर 14 से भी एक पूछा जाएगा। दोस्तों, जो आपके कंप्यूटर के पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो शॉर्ट्स क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। 9 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 6 के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। इसकी जो डिवीजन है वो ये होगी। चैप्टर नंबर 1 से आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 से आपसे एक पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 3 से आपसे एक पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 4 से आपसे दो पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 6 से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 7 से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। 9 सवाल में से आपने 6 का जवाब देने होंगे। इसकी जो डिवीजन है वो ये होगी। चैप्टर नंबर 8 से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 9 से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। इसकी जो डिवीजन है वो ये होगी। चैप्टर नंबर 10 से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 11 से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 12 से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका लॉन्ग का पोर्शन होगा वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। जो पहला पार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कहलाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। जो आपका दूसरा पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 कहलाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो चैप्टर नंबर 11 से आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो चैप्टर नंबर 12 से आएगा और जो क्वेश्चन नंबर 9 होगा वो चैप्टर नंबर 13 से आएगा। इन तीनों में से आपने कोई से दो अटेम्प्ट करने होंगे।